Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ड्रीम गर्ल के बारे में, आर्टिकल 375 के बारे में, साथ साथ आपको बताऊंगा छिछोरे मूवी के कलेक्शन के बारे में। तीनों मूवीज बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप कह सकते हैं कि अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तीन मूवीज एक साथ चल रही है, एक साथ परफॉर्म कर रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ड्रीम गर्ल की बात करूँ और आर्टिकल 375 की बात करूँ तो दोनों मूवीज़ को एक ही दिन रिलीज़ किया गया था, यानी 13 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। अगर बात करूँ बजट की तो ड्रीम गर्ल का बजट लगभग 20 करोड़ के आसपास का था और वहीं बात करूँ अगर आर्टिकल 375 की तो इसका बजट 10 करोड़ के आसपास का था। अब कलेक्शन की बात कर लेते हैं। पहले बता दूँ आपको कि ड्रीम गर्ल को डायरेक्ट किया था राज शांडिल्या ने। ड्रीम गर्ल मूवी ने अपने फर्स्ट डे में जो कलेक्शन किया था वो था 10 करोड़ 5 लाख का और वर्ल्ड वाइड में 13 करोड़ का। और ये जो है ओपनिंग थी आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। वहीं अगर बात करूँ मिड रेंज बजट की मूवीज़ की तो उनमें से भी इस मूवी की ओपनिंग सबसे धमाकेदार थी। फिफ्थ डे की बात करूँ तो मूवी ने कलेक्शन ऑफिशियल कलेक्शन किया है 7 करोड़ 40 लाख, 7 करोड़ 40 लाख और मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 59 करोड़ 40 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया में। वहीं अगर बात करूँ मैं इस मूवी के सिक्स्थ डे की यानी कि आज के दिन की रिपोर्ट्स की तो अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स मुझे पता चली है मूवी ने लगभग कलेक्शन किया है 7 करोड़ 20 लाख के आसपास नेट कलेक्शन और मूवी का टोटल ऑल ओवर इंडिया से कलेक्शन हो चुका है 56 करोड़ 60 लाख यानी कि 56 करोड़ 60 लाख का। और वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड से 90 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कम्प्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं मूवी के सेवन्थ डे के प्रेडिक्शन के बारे में यानी कि मूवी का कल का दिन का कलेक्शन कितना हो सकता है। मैं आपको बता दूं कल एक रेगुलर डे होने वाला है, कोई बड़ा छुट्टी नहीं है, बड़ी कोई हॉलीडे नहीं है तो उसको देखते हुए मूवी कहीं ना कहीं रेगुलर ड्रॉप लेगी। और अगर आपने फिफ्थ डे के कलेक्शन में नज़र डाली होगी तो मैं बता दूं कल के दिन से और आज के दिन में जो कलेक्शन में ड्रॉप देखा गया है वो बहुत कम है, यानी कि फोर्थ डे से और फिफ्थ डे के बीच में जो ड्रॉप देखा गया है वो ना के बराबर है, क्योंकि मूवी ने अपने फोर्थ डे में जो कलेक्शन किया था वो था 4 करोड़ 43 लाख का और मूवी ने फिफ्थ डे में जो कलेक्शन किया है वो है 7 करोड़ 40 लाख का। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्रॉप मूवी का बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वहीं बता दूं अगर मैं सेवन्थ डे के बारे में तो मूवी लगभग कहीं ना कहीं 7 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर जाएगी अगर मूवी के रिस्पॉन्स अच्छा रहा मॉर्निंग से। और टोटल कलेक्शन की बात करूँ तो मूवी इंडिया में लगभग नेट कलेक्शन जो है वो है 63 करोड़ के आसपास का मूवी नेट कलेक्शन कर जाएगी। और अगर बात करूँ मैं कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो वर्ल्ड वाइड में भी मूवी लगभग 100 करोड़ हो सकता है क्रॉस कर जाए। और अगर 100 करोड़ नहीं क्रॉस करती तो कहीं ना कहीं मूवी 98 से 99 करोड़ के आसपास तो डेफिनेटली पहुंच ही जाएगी। वहीं अगर बात करें आर्टिकल 375 की तो ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में जमकर परफॉर्म करी है। मैं आपको बता दूँ इस मूवी को कोई भी बड़ी प्रमोशन नहीं मिली थी, कोई भी इस मूवी को बड़े पोस्टर या कहीं रियलिटी शोज़ में या कॉमेडी शोज़ में इस मूवी की इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 4 चांद लगा दिए हैं। मूवी ने अपने 6th डे में 1 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया है और मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 10 करोड़ 25 लाख। और मूवी का मैंने आपको बताया बजट ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 करोड़ के आसपास का मूवी का बजट है और मूवी ने 10 करोड़ 25 लाख का नेट कलेक्शन कर लिया है। यदि मूवी 20 से 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन भी करती है तब भी मूवी जो है बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाएगी। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट मूवी की तो मेरी जो नेक्स्ट मूवी है वो है छिछोरे मूवी। छिछोरे मूवी आपको भी पता है कि बॉक्स ऑफिस में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि रिसेंटली एक ड्रीम गर्ल सिर्फ मूवी ऐसी थी जिसने कि छिछोरे मूवी को टक्कर दी है, बाकी कोई भी मिड रेंज बजट की मूवी नहीं है जो कि छिछोरे जितनी धमाकेदार परफॉर्म कर रही हो। और छिछोरे मूवी का बजट जो है लगभग 60 करोड़ के आसपास का बजट है। नितेश तिवारी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, 6 सितंबर को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। कलेक्शन की बात करूँ तो मूवी ने 12th डे में यानी कि कल के दिन कलेक्शन किया है 4 करोड़ 11 लाख का, टोटल कलेक्शन हो चुका है 102 करोड़ 19 लाख। और मैं आपको बता दूं मूवी ने 11th दिन में जो कलेक्शन किया था वो था 4 करोड़ का, यानी कि मूवी के कलेक्शन में इंक्रीज़ ही देखने को मिला है, ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। वहीं बात करूँ मूवी के 13th डे की यानी कि आज के दिन की तो अभी की रिपोर्ट्स जो आ रही है वो है 3 करोड़ 80 लाख और मूवी का टोटल कलेक्शन जो है वो है 106 करोड़। वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मैंने वर्ल्ड वाइड से भी लगभग 140 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। 14th डे यानी कल का दिन, आपको बताया कल का दिन जैसे मैंने बताया रेगुलर डे होने वाला है, कोई बड़ा त्यौहार नहीं है, कोई बड़ी छुट्टी नहीं है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मूवी 3 करोड़ 50 लाख के आसपास का कलेक्शन भी करे तो ये मूवी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन होगा। और टोटल कलेक्शन जो है वो मूवी 109 करोड़ 50 लाख के आसपास का कर जाएगी और वर्ल्ड वाइड में 144 करोड़ पहुँच
सकती है, यानी कि इस मूवी को भी 150 करोड़ बिल्कुल नज़दीक है, नियर बिल्कुल पहुंच चुकी है 150 करोड़ के पास वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। और बात करूँ अगर इंडिया की, तो इंडिया में कम से कम 110 करोड़ के आसपास मूवी पहुंच जाएगी। तो आपको क्या कहना है इन तीनों मूवीज़ के बारे में, कलेक्शन के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक उस वीडियोज़ की उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।